बॉयफ्रेंड संग लिव इन में रह रही पत्नी को पति ने रंगे हाथ पकड़ा। अब पत्नी का बॉयफ्रेंड पति को दे रहे हैं गोली मारने की धमकी। शिवपुरी जिले के कमलागंज इलाके का रहने वाला एक युवक अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना और धमकी से परेशान है। पत्नी और बॉयफ्रेंड से पीड़ित पति इसकी शिकायत दर्ज कराने अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। बावजूद इसके उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शनिवार को एक बार फिर से एसपी ऑफिस पहुंचे युवक ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर सोशल मीडिया पर उसे गोली मारने की धमकी देने और अश्लील गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से दोनों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की लगाई है गुहार। 5 माह से ग्वालियर में बॉयफ्रेंड संग लिव इन में रह रही है पत्नी। युवक ने बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले सर्व जातीय विवाह सम्मेलन में हुई थी। शादी के 6 माह तक पत्नी उसके साथ रही, इसके बाद वह अपने मायके चली गई, फिर वापस लौट कर नहीं आई। इस दौरान उसने पता किया तो उसकी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड संग ग्वालियर में किराए का घर लेकर लिव इन में रह रही थी, जिसे उसने ग्वालियर जाकर रंगे हाथ पकड़ा था, जिसकी शिकायत भी उसने ग्वालियर थाने में दर्ज की, लेकिन पुलिस ने वहां भी कोई सुनवाई नहीं की। अब पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड उसे सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी और अश्लील गाली गलौज कर रहे हैं। पीड़ित ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कहाँ से आए हैं? कमलागंज घुसीपुरा। एसपी ऑफिस आए हैं आज आप, क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मैंने क्या 3 महीने पहले एक आवेदन दिया था एसपी ऑफिस में। हाँ? साइबर इंस्टाग्राम के माध्यम से क्या है, मुझे करण जाटव नाम के लड़के ने गाली गलौज दी है, मेरी पोस्टों पे कमेंट किए, उसने बहुत भद्दी भद्दी गाली दी, बहुत अभद्र भाषा मेरी बहनों के बारे में, तेरी मतलब जीजी की चार मतलब ऐसा बहुत, और मेरी 4 बहन है। तो कौन है ये करण? ये करण जाटव क्या मेरी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड था, और इसके पहले इस शादी से पहले उसके साथ भाग भी चुकी थी, जिसका पुरानी छावनी के थाने में रिकॉर्ड भी दर्ज है जो मैंने निकलवाया भी है, तो वहाँ से क्या वहाँ भी मुझे पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो आपकी पत्नी कहाँ रह रही है? पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही है। कब से रह रही है वो? समथिंग 5 महीने से रह रही है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी मेरी 22वीं हुई थी सम्मेलन से, सर्व जाति सम्मेलन से लॉकडाउन के समय में। कितने समय तक पत्नी साथ रही थी आपकी? पत्नी मेरे साथ रही है दिवाली के 6 महीने तक साथ रही। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ था मैडम, उसे क्या है मेंटल डिसऑर्डर था, मेंटल डिसऑर्डर, और उसके अंडाशय में गठान थी और उसे पीरियड्स नहीं आते थे, और उसे मेंटल डिसऑर्डर था, उसके माँ बाप बोलते थे उसे लोहड़ी काल का माता आती है, तो उसके लिए क्या मुझे ग्वालियर में क्रांति के पास ले गए, मैं चला गया और मैंने बोला कि मनोरोग विशेषज्ञ को दिखा लो, क्या एक ज्ञापन दिया था, सॉरी आवेदन दिया था मैंने एसपी साहब को यहाँ अपने बचाव के लिए, तो जिस पर कार्रवाई की गई थी महिला थाने से, उसके लड़की ने और उसके पापा ने क्या है आश्वासन दे दिया था कि हम कल लड़की को पहुँचा देंगे, आप लेने आ जाना घर पे, यहाँ से कोर्ट में हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था, कोर्ट का एफिडेविट भी है मेरे पास, तो मैंने वहाँ महिला थाने में बताया था, मैडम को भी बताया था, डीएसपी मैडम ने स्पष्ट मना कर दिया था कि बेटा तेरी एफआईआर नहीं होगी, तलाक ले ले, तुझे लड़का पसंद नहीं है तो तलाक ले ले, एफआईआर नहीं होगी। मेरी 5 काउंसलिंग हो चुकी थी महिला थाने में ग्वालियर में, लेकिन लड़के ने क्या है रुपया भर के मेरी एफआईआर करवाई है। तो लड़का करता क्या है? लड़का डीजे का काम करता है और किराए से रहता है, और प्रॉपर रहने वाला वो मुरैना का है। मुरैना का है? आप इससे पहले आप भी जानते थे उसको? नहीं, मैं नहीं जानता था। तो आपने कैसे अपनी पत्नी को पकड़ा कि उसका अफेयर चल रहा है? मैंने उसको इस तरीके से पकड़ा मैडम, इस तरीके से पकड़ा मैंने उसे, मैंने क्या है उसके कॉलोनी के लड़के को ऐड किया फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर, और मैंने अपने फोटो डालना स्टार्ट किए, तो क्या लड़के मेरे से बात करने लगे, लड़के मेरे से बात करने, भाई कौन है तू? मैंने कहा भाई ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ। भैया कही ये फर्जी लड़की है कही, तो भाग चुकी थी। एक लड़के ने मेरे से बताया था ये भाग चुकी थी, भागा एक लड़का है कोई जाटव, उसने मुझे बताया भाई ये इस लड़की के साथ उसका चक्कर है और ये भाग चुकी थी, 15 दिन उसके साथ में रह गया ये, और क्या कहते हैं इसका पुरानी छावनी के थाने में रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसके लिए मैंने RTI लगाई है, तो वहाँ से 4 महीने हो चुके हैं, मुझे अभी तक प्राप्ति नहीं दी गई। तो इस संबंध में क्या आपको शादी से पहले कोई खबर नहीं थी? शादी से पहले कोई खबर नहीं थी मैडम, मेरी शादी क्या एक्चुअली क्या धोखाधड़ी से हुई थी। कैसे धोखाधड़ी से? ऐसे हुई कि सर्वप्रथम तो उन्होंने क्या मानसिक अवस्था छुपाई, उसकी बात मेंटल डिसऑर्डर सॉरी अंडाशय की गठान वगैरह छुपाई उन्होंने, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में मेरे पास है, जो दिवाली के समय लड़की लेके आई थी, उसे क्या हमेशा पेट दर्द रहता था, हमेशा पेट दर्द रहता था, हर दूसरे दिन पेट दर्द रहता था, और हर दूसरे दिन उसे माता आती थी, मतलब मेंटल डिसऑर्डर। तो मैं क्या है उसे दिखाने की कोशिश की, मैं क्या मेडिकल में जॉब करता हूँ प्राइवेट, तो मैंने उसके पापा से बोला था, मैंने कहा भाई इसको क्या है मेंटल डिसऑर्डर है, उसके पापा बोलने लगे नहीं उसे, अरे उसे मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उसे तो लोहड़ी माता आती है और तेरा भाई दारू पीता है, इसलिए उसे लोहड़ी माता आती है, तेरा भाई दारू पीना बंद कर दे तो वो तो क्या कहते हैं लोहड़ी माता परेशान नहीं करेगी तुम्हें, परेशान करती है वो तो ऐसे करती है, भाई को तो सबको करती है। तो क्या अब आप अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं या फिर छुटकारा चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि लड़के पर FIR हो और लड़की पर महिला थाने, मतलब जैसे कि मैंने कोशिश की लड़की पर, लड़की के घर वालों पर प्रयास किया है बहुत थानों में, सभी थानों में प्रयास किया है, ग्वालियर में यहाँ भी वहाँ भी सभी थानों में मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ ठीक है। और दूसरी बात ये है
कि मेरे दोनों तरफ से सरकारी वकील है तो मैं वकीलों को पैसे नहीं दे रहा था, पुलिस वालों को कैसे पैसे दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात और एक और बात ये है कि मेरी शादी सर्वजाति सम्मेलन से हुई थी, उनने मुझ पर किया है दहेज केस, पत्नी ने दहेज केस किया उनने मुझ पर, और शादी सर्वजाति सम्मेलन से हुई थी लॉकडाउन के समय में, ठीक है। तो इतना मुझे कोई डर भी नहीं है कि मेरी शादी यदि घर से हुई है, उनने मुझे कुछ दिया हो, उनने कुछ दिया भी नहीं है मुझे, वो तो उन्हें धोखाधड़ी से, बस उन्हें तो क्या है सिर्फ बोलते हैं ना कि एक छूत मिटाना, बस उन्हें तो क्या अपनी लड़की की बस क्या है, बस वो करना थी उन्हें। शादी से ही परेशान हूँ, शादी से ही परेशान हूँ मैडम। मैंने आवेदन लगाया था यहाँ पर एसपी साहब के यहाँ। कब आवेदन लगाया था आपने? मैंने लगाया था यहाँ, ये आवेदन है।